कितने बजे शुरू होगा टाटा आईपीएल 2023 का ऑक्शन। 450 से ज्यादा प्लेयर नीलामी में होंगे शामिल, जिनमें से 87 खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाएगा। जी हां दोस्तों, देंगे आपको खबर की पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं आईपीएल 2023 में युवराज सिंह को देखना तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों आपको बता दें, टाटा आईपीएल 2023 के ऑक्शन के लिए 450 से ज्यादा खिलाड़ियों की नीलामी के लिए नाम दिए गए हैं, जिनमें से 87 प्लेयर टीमों द्वारा खरीदे जाएंगे। टोटल 87 खिलाड़ियों को ही टीम अपनी टीम में शामिल कर सकती है, बाकी प्लेयर अनसोल्ड होने वाले हैं। आपको बता दें, हैदराबाद के पास ज्यादा पैसा है, इसीलिए हैदराबाद बड़े खिलाड़ियों पर दांव खेलने वाली है, जिनमें से बेन स्टोक, मयंक अग्रवाल और सैम करन जैसे बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर एक मजबूत टीम बना सकती है, क्योंकि इस बार इनका बेस प्राइस 2 करोड़ रखा गया है, जो कि आईपीएल 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, इस बार आईपीएल ऑक्शन मिनी ऑक्शन होने वाला है, जो कि सिर्फ एक दिन चलने वाला है। यह बड़ा ऑक्शन 23 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे शुरू हो जाएगा, जो रात के 11 बजे तक चलने वाला है, जिसमें टाटा आईपीएल 2023 में शामिल होने वाले 87 खिलाड़ियों की बोली लगने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सैम करन, मयंक अग्रवाल और बेन स्टोक में से कौन सबसे ज्यादा में बिकने वाला है? और कमेंट बॉक्स में अपने सबसे पसंदीदा खिलाड़ी का नाम जरूर बताएं, जिसे आप आईपीएल 2023 में देखना चाहते हैं।